फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूनिट टू, पोयम नंबर 9, द ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो। आई नो स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन बहुत ही फनी पोयम है स्टूडेंट्स, आपको मजा आएगा। अब ये पोयम के जो स्टूडेंट्स पोएट है, जिन्होंने ये पोयम लिखा है, वो ये पोयम एक सोच समझ के, यानी कि अपना एक इमेजिनेशन, एक कीड़ा के बारे में बताए हैं, एक इंसेक्ट के बारे में, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में है नहीं, लेकिन वो पोएट ने एक इमेजिनेशन, अपना खुद का एक लिविंग बींग बना दिया है इंसेक्ट, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है पोएम में, ठीक है। वो कीड़े का नाम क्या है, वो इंसेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आपको भी प्रोनाउंसिएशन सिखा दूंगा मैं कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर दे फर्स्ट पैरा से, तो क्या कहता है, देयर इज अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाय एंड इट इजंट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट्स इजंट क्वाइट अ फ्लाई। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक फनी सा दिखने वाला इंसेक्ट है, जो कि आपने रियल लाइफ में देखा नहीं होगा, अपने आसपास आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन वो एक स्पाइडर जैसा भी नहीं है और एक फ्लाई के जैसा भी नहीं है स्टूडेंट्स। इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड अ लिटिल लाइक अ बी, यानी कि वो एक बीटल जैसा और बी के जैसा थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है, बट नथिंग लाइक अ वोली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री। वोली ग्रब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल फैट इंसेक्ट। आपने देखा होगा ना, छोटे मोटे कीड़े जो रेंगते हुए पेड़ों पे ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे हम इंग्लिश में वोली ग्रब कहते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन वो वोली ग्रब के जैसा भी नहीं है जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। इट्स नेम इज क्वाइट अ हार्ड वन बट यू विल लर्न इट सून आई होप, यानी कि वो क्या कह रहा है कि इसका नाम थोड़ा हार्ड है लेकिन आई होप आप सीख जाओगे, सो ट्राई। ट्री ट्री एंटी वोंटी, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो स्टूडेंट्स, ट्री ट्री एंटी वोंटी, ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और बार बोल के बताओ, ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो, एक और बार, ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो। ये देखो ये कीड़ा है, ये इंसेक्ट है, कुछ इस तरह दिखता है स्टूडेंट्स। अब दूसरा पैरा देखते हैं, इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस। यानी कि वो कहां पे रहता है, ग्रासी एरिया, वीड्स यानी कि स्टूडेंट्स होता है ग्रासी एरिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ग्रासी एरिया, वो ग्रासी एरिया में रहता है, और एकदम ही वेटल गम यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, वेटल गम यानी कि स्टूडेंट्स गम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री। आप देखे हो ना, कभी भी आप एक ट्री को मारते हो, यानी कि उसमें कुछ भी एक पॉइंटेड चीज अगर आप ये करते हो, इंसर्ट करते हो, तो वहां पे एक चिपचिपा सा गोंद निकलता है स्टूडेंट्स। वो वैसे ही जगह पे वो रहता है, जहां पे घास फूस एरिया हो, जहां पे वैसा गम्स निकलता हो, वेटल गम्स हो, और उसका बहुत ही फनी फेस है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना फनी फेस है उसका। इट्स एपिटेट इज हार्टी, एपिटेट यानी कि हंगर, ठीक है। इसका जो भूख है वो बहुत ही हार्टी है, जब भी उसको भूख लगे या ना लगे वो बस खाता रहता है, ठीक है। वो अपने दिल का सुनता है, उसका भूख एकदम वो अपने दिल की सुनता है, जब भी उसको मन हुआ तभी खाने का, चाहे भूख हो या ना हो। एंड इट्स मैनर्स अ डिसग्रेस, यानी कि उसका आप अगर आदतें देखोगे, यानी कि जिस प्रकार का वो उसका हरकत है, वो बहुत ही डिसग्रेस है। डिसग्रेस का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, हॉरिफाइंग, यानी कि आपको चौंका देगी उसकी आदतें। When first you come upon it, it will give you a quite a scare. यानी कि जब आप उससे पहली बार मिलोगे तो आपको काफी डरा सकती है। But when you look for it again, you find it isn't there. लेकिन आप जब उसे फिर से देखोगे, कि आप देखो कि वो उस जगह पे है ही नहीं। यानी कि आप अगर पहली बार देखते हो तो आप डर जाओगे, लेकिन आप अगर उसे दूसरी बार देखने जाओगे तो उड़ के कहीं और चले गया होगा। You find it isn't there. वो होगा ही नहीं उस जगह पे। And unless you call it softly, it will stay away and mop. यानी कि आप अगर उसे प्यार से एकदम धीमी आवाज से उसका नाम लेके बुलाओगे तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो स्टे अवे, दूर रहेगा आपसे, मोप हो गए। मोप का मतलब क्या स्टूडेंट्स, फीलिंग सॉरी और अनहैप्पी। यानी कि आप अगर उसे धीमी आवाज से बुलाओगे वो आपके पास नहीं आएगा, आपसे थोड़ा दूर ही रहेगा, और वो मन ही मन सैड रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, दुखी होगा वो। ऐसा टाइप का इंसेक्ट है ये। सो ट्राई ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो, ट्री ट्री एंटी वोंटी, ट्री एंटी वोंटी गुंगुलो। तो ये दूसरा पैरा, इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट ऑन ट्रेड अपॉन इट्स ट्रो। यानी कि आप उसके अगर पैरों पे अगर आप उसको गुदगुदी करोगे तो कांपते हुए अपने टोस पे खड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स।
इट इज नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज अ स्नबिश नोज, यानी कि वो जल्दी तो सुबह उठने वाला कीड़ा है नहीं, लेकिन वो उसका नाक कैसा है स्टूडेंट्स, स्नबी, स्नबी यानी कि छोटा और थोड़ा मोटा नाक है उसका। इफ यू स्नियर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कर्ट ऑफ इन शेम। स्नियर का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, टू शो हैविंग नो रिस्पेक्ट बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी कि आप अगर उसे अगर उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसके सामने आप अगर शक्ल बनाते हो यानी कि उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हो या उसे आप चिल्लाते हो, तो क्या हो जाएगा, शेम के मारे भाग जाएगा। स्कटल यानी कि टू रन क्विकली, ठीक है, स्कटल यानी कि टू रन क्विकली, अगर आप उसे चिढ़ाते हो या चिल्लाते हो तो शर्म के मारे वहां से जल्दी से भाग जाएगा। बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइटली प्राउडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम। लेकिन यहाँ पे पर्स एंड पर्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, आप जब भी एक बिल्ली को बुलाते हो तो अगर आप बिल्ली को एकदम प्यार से बुलाते हो तो कैसे एकदम धीरे धीरे आवाज निकाल के आपके पास आती है, आपके पैरों के साथ खेलने लगती है, तो वैसे ही ये कीड़ा भी जो है, ये जो इंसेक्ट है, आप अगर उसे धीरे से उसका नाम और प्यार से उसका नाम बुलाओगे, क्वाइट प्राउडली यानी कि थोड़ा गर्व के साथ उसे बिना डरे आप उसका अगर नाम से बुलाओगे, तो भी आपके पास एकदम धीरे धीरे पर्स एंड पर्स, ये जो पर्स है वो एक साउंड है स्टूडेंट्स, ठीक है, वैसा आवाज निकाल के आपके पास आएगा। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस एंड सीलिंग वैक्स एंड सोप। अगर जब वो आपके पास आ जाता है तो आप उसे डरिएगा मत और उसे खाने के लिए थोड़ा सैंडविच या सीलिंग वैक्स। सीलिंग वैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जो भी कुछ भी अगर हम सामान को सील करते हैं, जैसे कि अभी आप कोई एनवलप सील कर रहे हो, तो वहां पे हम एक जो वैक्स यूज करते हैं उसे हम सीलिंग वैक्स कहते हैं, ठीक है, या तो उसे सैंडविचेस दो खाने के लिए, या तो सीलिंग वैक्स दो, या तो सोप दो खाने के लिए, वो आपके पास क्वाइट प्राउडली आएगा, ठीक है, प्यार से बुलाओगे तो। सो ट्राई ट्री ट्री एंटी वॉन्टी ट्री एंटी वॉन्टी गोंगोलो। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, बट ऑफ कोर्स यू हैवेंट सीन इट एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस दैट आई हैवेंट सीन इट ईदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। यानी कि यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि श्योर कि आपने वो इंसेक्ट को देखा नहीं होगा, और मैं सच्ची 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 कहता हूँ कि वो इंसेक्ट को मैंने भी नहीं देखा है और मुझे उसका एड्रेस भी नहीं पता है स्टूडेंट्स। फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट दो देयर रियल माइट हैव बीन इफ द ट्रीज एंड ग्रास वेर पर्पल एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन। लेकिन यहाँ पे पोएट क्या कहता है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने तो ये कीड़े को नहीं देखा है, ना ही आपने देखा है, मुझे इसका एड्रेस भी नहीं पता है, लेकिन ये इंसेक्ट हो सकता है अगर ट्रीज और ग्रास जो है हमारे वो अगर पर्पल कलर के हो जाए और हमारे स्काइज जो है वो ग्रीन कलर के हो जाए, तो पॉसिबल हो सकता है कि आप ये इंसेक्ट को देख सको। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं कि ट्री और ग्रास पर्पल कलर के हो जाए और स्काई हमारा ग्रीन कलर का हो जाए, तो एक जोक था स्टूडेंट्स। इट जस्ट अ जोक ऑफ माइंड विच यू विल फॉरगिव आई होप। ओ ट्राई ट्री ट्री एंड टी वॉन टी ट्री एंड टी वॉन टी गोंगोलो। तो ये पोएट का एक छोटा सा मजाक था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पोएट क्या कहता है, ये मेरा एक छोटा सा मजाक था और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ भी कर दो। सो ट्राई ट्री ट्री एंड टी वॉन टी गोंगोलो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं पोएम। आई होप आपको समझा होगा। तो हम मिलेंगे आप दूसरे वीडियो में।